तो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल स्पेस गेमिंग जोन में। नौफीक न्यूज़, नौफीक अपडेट्स, ओनली 100% रियल कंटेंट। सो गाइस, आपको पता ही है मैंने आपको कहा था कि OB39 के अपडेट के बाद आपको जो है अलवारो करेक्टर का इलाइट वर्जन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वो जो है इस एडवांस सर्वर में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते जब हम करेक्टर सेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखते यही है दोस्तों अलवारो करेक्टर का इलाइट वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते इस टाइप से देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब दोस्तों ये जो अलवारो करेक्टर है जो कि इलाइट वाला होने वाला है, इसकी एबिलिटी में चेंज किया गया। तो गाइस, इस करेक्टर की क्या एबिलिटी, किस तरह से वर्क करती है, क्या इसमें चेंजेस किया गया, इसकी एबिलिटी आपको इस वीडियो में टेस्ट करके दिखाने वाला। तो प्लीज वो वीडियो को पूरा देखना। और गाइस, मैं आपको बता दूं, गेम के अंदर आपको पता है कि एक न्यू करेक्टर भी आया, मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर देखते ओरियन नाम का करेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर नीचे स्क्रोल करते तो यहाँ पर देखते दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ ये रहा। ठीक है, तो ये ओरियन करेक्टर भी आया। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैंने इसकी एबिलिटी का वीडियो नहीं बनाया, बट दोस्तों मैं जल्दी इसकी एबिलिटी का वीडियो भी लाने वाला। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम जो इलाइट अलवारो की एबिलिटी के बारे में बात करने वाले, किस तरह से इसकी एबिलिटी वर्क करते, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। और गाइस, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज दोस्तों अगर आप चैनल पर नए और पहली बार आए तो प्लीज हमारी चैनल स्पेस गेमिंग जोन को सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। और जो व्यूअर्स मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो उनका मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं। प्लीज गाइस ऐसे सपोर्ट करते रहना, मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते रहना। थैंक्स, लव यू। तो चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से आपको जो इस इलाइट अलवारो की एबिलिटी का टेस्ट करके दिखा देता हूं कि इसकी एबिलिटी में क्या चेंजेस किया गया है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो वह सबसे पहले तो इस करेक्टर की एबिलिटी जान लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं कि क्या इसकी एबिलिटी किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करेक्टर सेक्शन में लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर देखिए येलो वाली जो एबिलिटी है ना, ये इसकी न्यू एबिलिटी। ठीक है, तो व्हाइट वाली भी सेम ही लिखी हुई एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल। तो गाइस यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 second बिफोर डेटोनेटिंग ग्रेनेड विल स्प्लिट इनटू 3 grenades व्हिच कैन कॉज 30% डैमेज ऑफ इट ओरिजिनल। मतलब कि दोस्तों इसकी एबिलिटी है कि मान लीजिए आप जो ग्रेनेड फेंक रहे, ठीक है, आपने जो है वो बटन होता है ना साइड में जिससे कि ग्रेनेड को क्लिक करते सेकंड चलने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो 3 second का टाइम होता है जितना भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ग्रेनेड फटने से 1 second पहले क्या हुआ कि अगर आप अलवारो करेक्टर का यूज़ करने, मान लीजिए आपने ग्रेनेड का निशाना टिका लिया और आप जो है उस बटन पर क्लिक करते जिससे टाइमिंग चलने लग जाती है ग्रेनेड फटने की। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ग्रेनेड फटने से 1 second पहले क्या होगी, आपके हाथ में जो 3 grenades आ जाएंगे, जब आप ग्रेनेड फेंकेंगे भाई साहब एक ही जगह पर 3 और grenades गिरेंगे, मतलब कि दोस्तों टोटल 4 grenades गिर जाएंगे। ठीक है, तो चारों का अलग अलग डैमेज होगा। मतलब कि दोस्तों आप देखते क्या ही इसकी एबिलिटी कर दी गई है। अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब कि गाइस क्या करना, आपके पास ग्रेनेड ही क्यों, ग्रेनेड ही की फेंकेंगे बट वो क्या होगा कि फटने से 1 second पहले जो आपके हाथ में 3 और grenades आ जाएंगे, मतलब टोटल 4 grenades हो जाएंगे। जो बीच वाला जो कि मेन ग्रेनेड होगा उसका तो सेम टू सेम वही डैमेज होगा, और जो 3 grenades होंगे उनका जो डैमेज होगा वो ओरिजिनल ग्रेनेड से जो 30% के बराबर होगा। मतलब कि दोस्तों मान के चलिए आपने 1 grenade फेंकने, ठीक है, तो 1 grenade फेंकने जा रहे हैं, ठीक है, उसका मेन डैमेज है कि वो 100 damage देता, मान के चलिए 100 damage है, और बाकी के जो 3 extra grenades आएंगे ना 1 second पहले, उनका जो डैमेज होगा वो 30% होगा। ठीक है, तो मतलब कि दोस्तों एक ग्रेनेड का 30% डैमेज देंगे बाकी वाले ग्रेनेड। तो बस इसकी कैबिलिटी तो हमने पढ़ लिया, अब चलिए दोस्तों इसकी एबिलिटी को लाइव टेस्ट करते हैं और देख देंगे किस तरह से इसकी एबिलिटी वर्क करती है। तो गाइस अभी अब देखते हैं, मैं जो ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका हूँ और मेरे पास अलवारो करेक्टर, अब देखते हैं मैं ग्रेनेड का निशाना बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं मैंने ग्रेनेड का निशाना बनाया और मैंने जो टाइमर पर क्लिक कर दिया। अभी देखते हैं यहाँ पे 1 second जब रह जाएगा ना, तो देखते यहाँ पे 3 और grenades की लोकेशन बन चुकी है, और जैसे ही मैंने फेंका टोटल 4 grenades बन चुके। ठीक है, तो और 4 grenades जो फट चुके। ठीक है, तो चारों की अलग अलग लोकेशन बन गई थी। देखते दोस्तों ये वाली एबिलिटी, मतलब आपने ग्रेनेड एक ही फेंकना, वो ग्रेनेड क्या होगा फटने से 1 second पहले जो है 3 और grenades आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब टोटल 4 grenades हो जाएंगे जैसे आप उस ग्रेनेड को फेंकेंगे, तो टोटल जो 4 grenades गिरेंगे एनमी पर और सामने वाले एनमी को काफी ज्यादा डैमेज जाएगा। जो बीच वाला ग्रेनेड होगा मेन ग्रेनेड उसका डैमेज ज्यादा होगा, और बाकी वाले जो 3 grenades एक्स्ट्रा अपने आप आए उनका जो डैमेज है वो कम होगा। ठीक है, तो इस टाइप से देख सकते हैं अलवारो करेक्टर की न्यू एबिलिटी को कर देंगे। आपको यूज एक ही ग्रेनेड करना है, एक ही ग्रेनेड फेंकेंगे, बट क्या होगा कि फटने से 1 second पहले जो है 3 और grenades आ जाएंगे आपके पास ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे आप फेंकेंगे टोटल 4 grenades गिर जाएंगे एनमी पर और उन सभी ग्रेनेड का डैमेज अलग अलग होगा। ठीक है, तो मेन वाले ग्रेनेड का ज्यादा डैमेज होगा, बाकी जो 3 grenades होंगे उनका जो डैमेज है वो ओरिजिनल ग्रेनेड का जो 30% डैमेज देगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था ना, मान के चलिए आपको जो मेन ग्रेनेड है वो आपको 100 damage देता है, तो बाकी वाले जो 3 grenades एक्स्ट्रा आएंगे वो आपको जो है 30% का damage देंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं इस टाइप की एबिलिटी कर दी गई, मतलब कि एबिलिटी दोस्तों अच्छी कर दी गई, ठीक ठाक है। ठीक है, देख सकते हैं क्या ही इसकी एबिलिटी, यूज आपको एक ही ग्रेनेड करना है और एक्स्ट्रा में 3 grenades अपने आप और आ जाएंगे। ठीक है, गाइस एनिमी को भी थोड़ा ज्यादा डर लगेगा क्योंकि दोस्तों जो आप ग्रेनेड फेंकेंगे वो एक ही जगह पर 4 गिरेंगे, तो एनिमी तो डरेगा ही डरेगा और काफी
काफी अच्छा डैमेज भी उसे पड़ जाएगा और किल भी आसानी से हो जाएगा। बट दोस्तों आपको भी इससे बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपने मान लीजिए ग्रेनेड फेंका और चारों ग्रेनेड की लोकेशन अलग अलग है, और कुछ ग्रेनेड अगर दीवार से टकरा अगर आप पे गिर गए तो आपको भी अच्छा खासा डैमेज पड़ जाएगा, या हो सकता है आप भी जो किल वगैरह हो सकते हैं। तो आपको भी इसका करेक्टर का जो है ध्यान से यूज करना पड़ेगा ग्रेनेड फेंकते वक्त। तू समझा? तो आई होप गाइस आपको पता चल गया हो कि जो न्यू अलवारो का एलाइट वर्जन आने वाला है उस करेक्टर की एबिलिटी क्या है, क्या उसमें चेंजेस किया जा रहा है और किस तरह से उसकी एबिलिटी जो वर्क करती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो गाइस एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जो न्यू इलाइट अलवारो आने वाला है इसकी एबिलिटी आपको अच्छी लगी या फिर नहीं लगी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।